गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्जिन मेंटेनेंस रूल क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्जिन अकाउंट आप यूज़ करते हो तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, मार्जिन अकाउंट यूज़ करने में थोड़ा रिस्क फैक्टर आता है एज़ कम्पेयर टू कैश सेगमेंट, जहाँ पर आप अपना जितना भी आपने बाई किया है स्टॉक उतना आप फुल अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो टू द ब्रोकिंग फर्म। सेकेंड, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मार्जिन अकाउंट का प्रॉपरली आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है मार्जिन अकाउंट यूज़ करने के पहले आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि चार्जेस क्या लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी बोरोइंग फ्रॉम द ब्रोकिंग फर्म। यानी कि जब आप मार्जिन फैसिलिटी यूज़ करते हो, ब्रोकिंग फर्म से लेवरेज लेते हो, उस पर चार्जेस क्या लग रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितने चार्जेस लग रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और चौथा, सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स कैन बी डन एट एनी टाइम अगर मार्जिन नीचे आ गया तो। अगर मार्जिन डिक्रीज हुआ आपका तो सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स कैन बी डन एनी टाइम बिफोर इंटीमेशन, आफ्टर गिविंग इंटीमेशन फ्रॉम द ब्रोकिंग फर्म। यानी ब्रोकिंग फर्म आपको इंटीमेशन दे देगी, लेकिन उसके बाद कभी भी आपका स्टॉक सेलिंग हो जाता है अगर मार्जिन आपका प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ है तो। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप मार्जिन अकाउंट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।